इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से हम कैसे देखते हैं, इस प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। जब लाइट अपनी आंखों के अंदर एंटर करता है तो कॉर्निया और लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो जो लेंस का कर्वेचर वो चेंज होता है। रेटिना के ऊपर जो मैक्यूलर लिपिड है ये विजुअल कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट का उल्टा प्रतिबिंब फॉर्मेशन होता है। जब अपनी आँख किसी दूर की ऑब्जेक्ट को फोकस करता है तो लेंस जो है ये फ्लैट हो जाता है, क्योंकि जो लाइट है ये कुछ हद तक ही रिफ्रैक्ट होती है। जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं जो लाइट की रेज है वो ज़्यादा केंद्रित होती है, इसलिए जो इमेज रेटिना के पीछे बनती है। इसके कारण जो लेंस होता है ज़्यादा कन्वेक्स होता है लाइट रिफ्रैक्शन के लिए। इसके बाद जो इमेज शार्प इमेज बनता है रेटिना के ऊपर।